तो हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम खेलने वाले सिटीज स्काईलाइंस, हालांकि इसके पहले भी मैं खेल चुका हूँ और इसके बहुत सारे सिटीज बना चुका हूँ, उसकी वीडियोस हम डालेंगे अगले वीडियोस में। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ आप सबको दिखाने के लिए और बताने के लिए कि कितना जबरदस्त गेम है। तो आज हम शुरू करने वाले एक नया सिटी, मतलब कम्प्लीटली न्यू सिटी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लेन्स हैं यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी एक मैंने खरीद कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इतनी जगह खरीदी है इसमें जितने भी आप ब्लू स्क्वायर्स देख रहे हो। तो द रीज़न वाई मैं इतना खरीद चुका हूँ, इसका एक बहुत ज़बरदस्त रीज़न है। अगर आप गेम खेल रहे हो तो खरीदने से पहले इस चीज़ को ध्यान में रखो। आप इस पे जा सकते हो, जैसे गार्बेज इंडस्ट्रीज में जाके आप देख सकते हो, मतलब इंडस्ट्रीज में जाना, फिर आप देख सकते हो फार्मिंग अगर क्लिक करो तो इस जगह पे हम फार्मिंग कर सकते हैं आसानी से, राइट। अब मैं इतना छोटा सा आइलैंड क्यों परचेस किया, इसका एक बहुत ज़बरदस्त रीज़न है, जिसको मैं अगर ऑयल इंडस्ट्रीज पे जाऊँ, आप देख सकते हो बहुत सारा ऑयल पड़ा है इधर इधर, हम एक बहुत ज़बरदस्त ऑयल इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, जैसे कि दुबई में होता है, जो दुबई के तेल जो मिलते हैं उस तरह के हम इधर बना सकते हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो इस वीडियो को और बहुत ज़बरदस्त इसमें सपोर्ट दिखा दो। तो आगे हम अगले वीडियोज़ में बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूँगा मैं इसी भी चैनल पर। तो हम शुरू करते हैं अभी। तो आप देख सकते हो मैं अगर इस पे जाऊँ फार्मिंग पे, तो फार्मिंग मैंने दिखा दिया वैसे भी, लेकिन फॉरेस्ट अगर दिखाऊँ मैं, फॉरेस्ट से भी हम बहुत सारे अर्निंग कर सकते हैं। तो एक मिनट, ये इधर क्या है, अच्छा तो एक अबंडेंट रेलवे स्टेशन होगा इधर, क्योंकि बहुत सारे इधर रेल पड़े हैं, मतलब शायद ये होगा कोई फॉरेस्ट एरिया का ही है, क्योंकि बहुत सारे लॉक्स भी पड़े हैं इधर, आप देख सकते हैं लॉक पड़े हैं, जो पेड़ के कटे हुए जो होते हैं वो सब पड़े हैं इधर। तो ठीक है, देन अलग हम इधर गेम को चला के देखता हूँ, तो देखते हैं वाटर फ्लो किधर से हो रहा है, क्योंकि हम एक डैम भी बना सकते हैं इधर। मैं सोच रहा हूँ इस गेम में एक डैम बनाते हैं, क्योंकि मैं अभी तक डैम ने कंस्ट्रक्ट नहीं किया आज तक। तो हम शुरुआत करते हैं डैम से, क्योंकि उसी से हमें अगर मिल जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी मस्त मिल जाएगी उसी से हमें। तो डैम कंस्ट्रक्शन दे पहले, तो हाँ पहले हम डैम बनाएंगे फिर हम दूसरा सिटी बनाएंगे, जैसे हम थोड़ा उल्टा जाएंगे आज। मज़ा आने वाला है इस गेम प्ले में, आप बने रहिए लास्ट तक। मैं एक बार देखता हूँ डैम बनाने के लिए, अगर हम जाएंगे इलेक्ट्रिक सिटी पे, देन अगर मैं लास्ट पे आऊँ तो इधर ही है हमारा डैम। तो ये है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। तो कहाँ बनाए डैम हम, यहाँ से एक वाटर फ्लो होगा, देन वो वाटर इधर भी फ्लो हो रहा है, इधर भी फ्लो हो रहा है। डैम बनाते समय ना एक चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वाटर ओवरफ्लो ना हो जाए, क्योंकि हमारा पूरा सिटी फिर फ्लडेड हो जाएगा। हम यहाँ पे एक डैम बना सकते हैं, क्योंकि पूरा वाटर इधर जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एक डैम बना सकते हैं। हम दोनों डैम बनाएंगे गाइस, हम डैम ना दो डैम बनाएंगे, मज़ा आने वाला है इस गेम में, दो डैम बनाएंगे। तो एक डैम हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि वाटर इधर से फोर्स ले आ रहा है रादर देन इधर, इधर थोड़ा सा ना मिक्सअप हो चुका है, तो हम वाटर इधर बनाएंगे। तो डैम बनाने के लिए पहले हम डैम को सेलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ से कंस्ट्रक्ट करके हो सकता है आउट ऑफ द सिटी लिमिट्स। ठीक है भाई, मैंने शायद उस जगह खरीदी नहीं है तो इसलिए शायद दिखा रहा है। हम क्या करें, ब्रिज के बाद भी बना देते हैं आउट ऑफ द सिटी लिमिट्स। भाई क्यों भाई, ठीक है हम यहाँ बना के देखते हैं। एक हमने डैम बना दी इधर, फिर हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं अगर ये चल रहा है या नहीं, कहीं वाटर ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। ओ गाइस वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है गाइस, इसी बात का तो डर था मुझे। तो थोड़ी देर चला के देखते हैं कहीं ये लेवल ना हो जाए, फिर अगर हम थोड़ी देर चला के देखें तो काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि लेवल हो जाए। ओ नहीं 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 वाटर तो ओवरफ्लो हो रहा है गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हम ना आज एक डैम बना के रहेंगे गाइस, कुछ भी हो जाए एक डैम तो हम बना के रहेंगे, क्योंकि मैंने आज तक डैम सक्सेसफुली नहीं बनाया। मैंने अभी जो डैम बनाया था वो पहली बार ही बनाया था, तो सक्सेसफुली नहीं बनाया मैंने। थोड़ा सा ना हाइट अगर कर दूँ तो शायद ठीक रहेगा, बट फिर भी ना दिक्कत आ जाएगी हाइट अगर कर दूँ तो, मैं क्योंकि पानी उतनी ऊपर तक आएगा नहीं, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं डैम बना के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे डैम में आउट ऑफ सिटी लिमिट्स। भाई क्या परेशानी है, तो भाई अगर मैं यहाँ पे थोड़ा हाइट है तो थोड़ा हाइट है गाइस, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे करते हैं कुछ पानी वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं। पानी तो ज़्यादा हुआ, ओवर फ्लो होगा शायद। नहीं 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 गाइस नहीं 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 भाई नहीं 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 ऑपरेटिंग नॉर्मली। यस यस गाइस, चलो हमने डैम सक्सेसफुली बना दिया। थोड़ा देर वेट करके देखते हैं, पानी बहुत सारा है इस तरफ पे,
क्योंकि अगर इतना पास सारा पानी एक ही बार में आ गया ना तो हमारी तो सिटी की बात लग जाएगी, अगर हम बना भी दिए तो फ्लडेड हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना रोड से जोड़ते हैं इधर, क्योंकि लोगों को इधर उधर जाने के लिए भी आसानी रहे ट्राम से। 16 मेगावाट बस उतना ही जनरेट कर रहा है, ओनली 16 मेगावाट। भाई इससे अच्छा तो मैं हाइड्रो पावर प्लांट बना देता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर पावर प्लांट, है न्यू बिल्डिंग रिमाइंडर चाहिए। वेल ठीक है गाइस, हम डैम में इधर बना लिया, देखते हैं वाटर फ्लो अभी। ठीक है, तो इधर ना पानी का थोड़ा ये होगा रेजिस्टेंस, तो अभी अगर ये पानी इधर जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली उधर थोड़ा हमें रिलीफ मिल जाएगा, ओवर फ्लो नहीं होगा। अरे जा भाई, मतलब पानी इधर जा क्यों नहीं रहा है। ठीक है गाइस, ठीक है अब ना, अब ठीक हुआ है डैम का हिस्सा जाकर, अब ना उधर थोड़ा ना नहीं होगा। ठीक है देखते हैं, यस अभी थोड़ा लेवल पड़ रहा है, थोड़ा सा डाउन हो चुका है। सिटी अगर बनाने के बाद फ्लडेड हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम पावर वाटर देखते हैं, तो 16 मेगावाट ही है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो जीरो है तो चलेगा, मतलब छोटा डैम बनाए ना तो हमें चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिटी बनाएंगे, तो ना ऐसे लेके ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, ऐसे लेके ऐसे बना सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस इतना सारा एरिया को हम सिटी बनाएंगे, फिर यहाँ को जितना भी जो एरिया है इसको हम ये कर देंगे इंडस्ट्रियल एरिया कर देंगे। तो सिटी के लिए हम पहले क्या करेंगे, डबल रोड ही लेंगे क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक होने वाला है सिटी में। तो ये तो हाईवे है, हाईवे को हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं पहले, बाद में हम इसको देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्शन आउटर, हमें आउटर बना देंगे पूरे शहर का, एक आउटर बनाएंगे। भाई रुक जा भाई, इतनी बारिश, रात दिन में काम कैसे करवाना। A few moments later. तो इसका एक रीज़न है जो मैं सिटी इस तरह से बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना ट्रैफिक की बहुत हमें दिक्कत नहीं चल रही। अभी के लिए हम क्या करेंगे, इधर आके शहर मतलब बनाएंगे, हाई डेंसिटी एरिया ही करेंगे हम इसमें, क्योंकि हमें कोई लो डेंसिटी एरियाज नहीं चाहिए, तो हम पूरे हाई डेंसिटी एरिया करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा टूल लेके इन सब एरिया को मैं हाई डेंसिटी एरिया बनाऊँगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्ड पे जाएंगे, फिर ये ऑफिस जोन्स हुए, फिर ये है हाई डेंसिटी कमर्शियल जोन्स, हम ये लास्ट लास्ट में ना पूरे दुकानें बनाएंगे। फिर हम ये लगाएंगे इधर, क्योंकि ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो शायद फिर हम क्या करेंगे, इस रोड को ना इस रोड के साथ जोड़ेंगे, ये हम हाईवे लेंगे तो डबल रोड वाला, हाँ ये ठीक रहेगा, ये हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेके इसको यहाँ पे लेंगे, फिर हम एक यहाँ से लेंगे, यहाँ पे तो ये वाला हमारा सॉर्ट हो गया। लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो ये वाला तो सॉर्ट हो गया, जब जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो हम इस हिस्से को यहाँ से जोड़ेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर का एक पार्ट लेना पड़ेगा, विच इज़ आई विल परचेज, क्योंकि बाद में आगे दिक्कत नहीं होना। ये मैंने पूरा प्लानिंग के साथ में सिटी बना रहा हूँ, थोड़ा सा अपने दिमाग चला गया। अगर आपको कुछ भी इसमें कुछ ऐड करना हो या डिलीट करना हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। कि अरे भाई यहाँ पे घर, मैं डर गया था कहीं घर बनना शुरू ना कर दें लोग, तो शायद मुझे यहाँ पे एक डिवीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन हाईवे है तो लोग यहाँ से आए नहीं, उसके लिए इसको डिवीट करना पड़ेगा। ये सब प्रॉब्लम्स में बाद में जाके गेम में ज़रूर आएंगे, तो इसलिए मैं पहले ही इसको सॉर्ट आउट कर ले रहा हूँ। ये डिवीजन यहाँ पे लगा देंगे, शायद आप तो बैठ जाएगा ही, शायद आप बैठ जाएगा, बैठ जा भाई। यार ये ऐसा बैठ रहा है यार, इसको ठीक से बिठाने के लिए नहीं हो रहा।
ठीक है, हम इसको यहाँ से सीधा कर देते हैं, सीधा ही बैठेगा शायद इसको। तो हम एक हाईवे बनाएंगे जैसे, तो हाईवे का रास्ता फिर गया। तो ऑलराइट गाइस, मैंने एक नाश बना दिया, बहुत ही गंदा लग रहा है मुझे पता है, क्योंकि रोड्स को मुझे और एक थोड़ा मॉड डाल के मुझे क्लीन करना पड़ेगा इस रोड्स को। मैं हम वो बाद में करेंगे, तो उतना ज़रूरी नहीं है वो हम बाद में करेंगे। अभी हमारा पहला काम है इस रोड्स को इसके साथ जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, तो ये रोड देखते हैं पहले कहाँ जा रहा है इस रोड को, हमें शहर में लोग यहाँ से भी चाहिए। तो ये रोड यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर ये यहाँ पर बनेगा, फिर उस रोड को हम लेके आएंगे, फिर ये रोड यहाँ से आएगा, फिर ये यहाँ पर बनेगा। वेल ठीक है, तो हम इसको इस एक्स्ट्रा चीज़ को डिलीट कर देंगे इसकी कोई ज़रूरत। तो क्या बोलते हो गाइस, सिटी चला के देखें, मतलब ऑन कर दूँ? चलो मैंने गेम प्ले फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ। ओह गाइस, मतलब लोग शहर बनाना शुरू कर दिया इधर, अमेजिंग है। मतलब लोग आना शुरू कर दिए इधर, गाड़ियाँ भी जा रही है, देख सकते हो आप इधर, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार ये हाईवे ना, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है शहर में। मैं पहले से सोच रहा था इसको यहाँ यहीं पे लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे बीच में एक स्टैचू लगाएंगे इधर, जो काफ़ी बढ़िया बिल्डिंग होगी इधर बीच में लगाएंगे, जो दिखते हैं टूरिस्ट वगैरह आएंगे तो पैसा पैसा ही पैसा होगा गाइस, पैसा ही पैसा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना एक सिक्स लेन हाईवे पे कन्वर्ट करते हैं इस चीज़ को यहाँ पे ब्रिज के साथ, क्योंकि ये ब्रिज ना थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, वो हम बाद में करते हैं। मैं इसको थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको विंड मिल दे देते हैं इधर, विंड मिल तो इसको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम एक शहर में पानी चाहिए, तो शहर में पानी की तो ट्रैफिक जाम हो रहा है क्या, थोड़ा सा तो ट्रैफिक जाम हो रहा है इधर, क्योंकि इधर रोड छोटा है इसीलिए शायद ट्रैफिक जाम हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, हम सबका चक्कर लगाएंगे। तो हमें काम करेंगे तो पानी का थोड़ा सा एक पंप लगाएंगे, तो देन इसको हम सीवेज पाइप के ज़रिए से यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, तो शायद अब इसको पानी मिल जाना चाहिए। अब इसको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए भाई, मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे टावर लेके, ठीक है टावर लेके इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे इसका। तो अब इसका सीवेज का प्रॉब्लम अभी से शुरू हो गया भाई, टू वे सीवेज प्रॉब्लम। सीवेज के लिए हम ना एक सीवेज वाला पंप लगाते हैं, क्योंकि पानी इधर जा रहा है। पहले देखेंगे हम पानी कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमें सारी नदी अगर घिली हो, मतलब गंदी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वही पानी फिर से इनको पीना पड़ेगा, तो लोग तो बीमार हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सीवेज के सारे पाइप्स हम इधर लगा देंगे। कहाँ पे लगाएं सीवेज के पाइप्स, कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे लगाएं सीवेज के पाइप्स ना, हम क्या करेंगे इधर ही लगाएंगे, बहुत सारी जगह है इधर, यह मैं इधर ही लगा दूँ क्या, इसी के बाजू में। शहर का एक कोना ना ठीक चाहिए, तो इस कोने को हम वैसे रखेंगे, क्योंकि हम एयरपोर्ट बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे सीवेज के सारे पाइप्स हम इधर लगाएंगे। चलो एक दो तीन लगा देता हूँ मैं, फिर तो इसको हम पानी के साथ जोड़ेंगे। हमें यहाँ से एक पाइप लेना पड़ेगा यहाँ पर, देन पूरे शहर में अगर हमें पानी चाहिए तो हमें यहाँ पर दो लाना ही पड़ेगा गाइस। मैं सारा प्लम्बिंग का काम कर देता हूँ, बहुत सारे लोग बिना पानी के मर रहे हैं, शहर छोड़ के चला जाएंगे, इसके तो पैसे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम भी है शहर में, बिना पानी के लोग रहेंगे भी कैसे, भी कुछ नहीं बोल सकते। तो पाइप्स बिछा देंगे, देखते हैं पानी कितना खर्च होगा सिटी में, और इसको हम यहाँ से लगा देगा शायद, फिर इसके घर में पानी। अरे रुक जाओ रे थोड़ी देर तुम लोग, अच्छा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है गाइस, हम ना
जितना हो सकता है उतना कम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में ही मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट बना देता हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ना आपको पता नहीं बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो हमें तो दिक्कत होने नहीं वाली है उसके हिसाब से। तो अगर इसका कनेक्शन यहाँ पे गया तो मुझे ना बहुत सारे सेक्शन पंप से लगाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ सेक्शन पंप लगा दो, एक दो तीन चार हमारी वाटर अवेलेबिलिटी तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। वाटर तो अच्छा अवेलेबल है, अच्छा खासा वाटर अवेलेबल है। इसका सीवेज का मुझे ना इधर पे एक फिर से एक ये बना देंगे, क्योंकि इधर अगर मैंने शहर बना दिया तो मुझे इजी रह जाएगा उधर क्या करना है, मतलब देखिए इजी रह जाएगा उधर। अगर इधर पे शहर मैंने बनाया तो इधर का सीवेज हम इधर दे देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? मैं काम करता हूँ इसको ना इधर से कनेक्ट करके देखता हूँ, अगर हो सकता है तो ठीक है भाई, कनेक्ट हो गया तो सीवेज भी इधर आ जाएगा, फिर न्यू बिल्डिंग अवेलेबल। अच्छा, अब हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये क्या है, ऑयल पावर प्लांट, इसको तो ऑयल देना पड़ेगा, वो छोड़ो। देन ये क्या है, ये है सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट शायद मैं लगा सकता हूँ, एक या दो हम लगाएंगे। इससे कितनी जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी, 160 मेगावाट, ठीक है। तो ये क्या है, ओशन थर्मल 480 मेगावाट, भाई ये तो ठीक है 480 मेगावाट। इसमें कितना 240, इसमें 80, इसमें 640 मेगावाट। गाइस यही इसी की बात कर रहा था मैं, 640 मेगावाट का एक थर्मल न्यूक्लियर। हम अभी के लिए क्या करते हैं, 480 मेगावाट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इतनी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। 480 मेगावाट तो हमें पड़ेगा कितना, 250, पॉल्यूशन इसमें 70 है, तो इसमें क्या है, पॉल्यूशन इसमें 50 है, 200। यही ठीक है यार, मतलब मैं पहले जो सोचा था वही ठीक है, क्यों इतना फालतू में खर्चा क्यों करें। तो हम इंडस्ट्री साइट के पास से लगाएंगे, इंडस्ट्री हम यहाँ पे बनाएंगे शायद। अच्छा, इसको रोड की ज़रूरत है, तो लाइचा स्टीप इज टू हाई देन। तो मैं कहाँ पे लगाऊँ इसको, हम इसको कहाँ पे लगाएंगे, इस यहाँ पे लगा दें, मतलब इसको पोल्यूशन हो जाएगा फिर रोड के पास, तो सिटी ठीक नहीं लगेगी। तो हम इसमें बीच पे कहीं पे लगा दें, नो अच्छा नहीं लगेगा, इधर भी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इधर ही लगा देता हूँ, फिर देखा जाएगा जो होगा। डेफिनेटली इसमें कुछ होंगे पावर प्लांट, तो हमें अलग से लगाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रोड लेता हूँ, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइज बनाना है सिटी को। तो हम काम करते हैं यहाँ पे एक रोड इस चीज़ के पास, तो ये बहुत ही स्टीप है, रोड बनेगा सारा पूरा हमारा इकट्ठा करेंगे और सारे डेड बॉडीज यहाँ पे डालेंगे, फिर हमारा इधर ही इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगा। इस रोड को मैं लेके आके यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। अभी फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे रखते हैं, डायरेक्टली मतलब बाद में अगर कुछ होगा तो हम देखा जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपना एक सिटी बना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बनाएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको हम लेके इधर आएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग इसको रख देंगे। फिर इनको दिक्कत ना हो सी मरे हुए लोगों को ले जाने के, सिमेट्री हम बनाएंगे। एक सिमेट्री मैं क्या करता हूँ, बड़ी सिमेट्री बना देता हूँ, एक बार बार ये सिमेट्री सिमेट्री मत बोले हमें। चलो एक सिमेट्री तो यहाँ बन गई। देन इनको दिक्कत आएगी गारबेज की, डेफिनेटली गारबेज का तो बहुत ही दिक्कत है गाइस, बहुत बहुत दिक्कत है गारबेज का। इंसर्शन प्लांट एक लगाएंगे हम, एक बड़ा सा इधर एक प्लांट लगा देंगे, वेस्ट प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स। इंसर्शन प्लांट तो बहुत बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि गार्बेज से कोई दिक्कत ही ना आना चाहिए। लैंडफिल से क्रम लगा देंगे इसमें हमें कितने